सुनाऊंगा आपको, वो एक ऐसे अपराधी के आपराधिक जीवन के पटाक्षेप की कहानी है जो करीब 15-20 सालों से निर्बाध, निष्कंटक, निरंकुश अपनी स्वेच्छा से मादक द्रव्यों की तस्करी में लगा रहा, कभी जिस पर पुलिस हाथ नहीं डाल पाई। 15-20 वर्षों से जो लगातार इस काम को करता रहा और कभी पकड़ में नहीं आया, इस बार पहली बार पुलिस के चंगुल में फंसा है और इसके साथ ही इसके आपराधिक करियर का पटाक्षेप होता है। ये कहानी है उस व्यक्ति की जिसने बड़े होने से पहले बड़े होने की ख्वाहिश पाल ली, बड़े पैसे कमाए, बड़े समय तक फ्री घूमा और अब बड़े घर की यात्रा करेगा। इस अपराधी का नाम है, कई सारे नाम है इसके, जसवंत उर्फ जस्साराम, उर्फ जसराज, उर्फ जस्सू, उर्फ जसिया, कई सारे नाम है। यह मैं जस्साराम कह के संबोधित करूंगा इसको। जस्साराम करीब 40 वर्ष की उम्र का है, बायतू का निवासी है, एक बहुत ही सामान्य घर से मैं पैदा हुआ, सामान्य घर में पला बढ़ा युवक। अभी मसें भींगी ही थी, 12वीं कक्षा पास की कि कमाने का चस्का लगा। केयर्न्स कंपनी में ड्राइवरी का धंधा शुरू किया, मन नहीं रमा, अवैध शराब का धंधा शुरू किया, उसमें भी ज़्यादा कमाई नहीं दिखी तो मादक पदार्थों की तस्करी में घुसा। एक गुरु बनाया, गॉडफादर बनाया, पहले गॉडफादर के साथ काम किया ड्राइवर बन के, फिर ड्राइवरी के बाद पार्टनरशिप की उसी गॉडफादर के साथ, क्योंकि ड्राइवरी में थोड़े पैसे पर ट्रिप मिलते थे। उसके बाद पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप के बाद लगा कि अपना धंधा अकेला ही चलना चाहिए, अकेला धंधा शुरू कर किया। और फिर जब धीरे धीरे नफासत और रईसी की आदत लगी तो एक ड्राइवर रखा और खुद मालिक बन के इस धंधे को चलाया। यह यात्रा चित्तौड़ प्रतापगढ़ से जोधपुर और जोधपुर या बाड़मेर और बाड़मेर के आसपास तक लगातार चलती रही, बड़े लंबे समय तक चलती रही। मादक द्रव्यों की, मादक पदार्थों की तस्करी आपूर्ति का यह व्यापार चलता रहा। इस व्यक्ति पर पहला मुकदमा 2005 में हुआ NDPS का, उसमें वो गिरफ्तार हुआ और उसके बाद 2010 से लेकर आज तक दर्जनों मुकदमे हैं, कभी भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। कुछ प्रकरणों में कोर्ट में चालान पेश किया गया तो 299 CRPC में, यानी फरार रहते हुए, कुछ प्रकरण तफ्तीश के अंदर हैं और करीब एक दर्जन प्रकरण तो पुलिस की जानकारी में आ गए। इसके अलावा बहुत सारे प्रकरण संभव हैं कि सामने आए। 3 जगहों से इस पर इनाम है, करीब 1 लाख रुपये का इनाम है, 40,000 का इनाम जोधपुर रेंज से है, 50,000 का इनाम पाली रेंज से है और 10-15,000 का इनाम इस पे राजसमंद से है। इसके अलावा भी बहुत जगहों से इस पर इनाम हो सकता है। 3 बार यह पुलिस पर फायर करके गायब हो चुका है, 1 बार गुड़ाइंदला पाली में, 1 बार टिब्बी हनुमानगढ़ में और 1 बार देवगढ़ राजसमंद में पुलिस पर फायर किया और बड़े आराम से नाकेबंदी तोड़कर या पुलिस की दबिश से बचकर निकल गया। तो 3 बार पुलिस पर फायर करने, न पकड़ में आने के बाद इसका मन काफ़ी खुलता गया और इसने इस पूरे इलाके में मादक द्रव्यों की तस्करी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क, बहुत बड़ा संजाल फैला रखा था और लगातार यह काम चल रहा था। बहुत दिनों से इस पर पुलिस की नज़र थी। रेंज पुलिस ने जब एक बड़े कुख्यात अपराधी के रूप में इसका नाम सामने आया तो ऑपरेशन मोना के नाम से इसके विरुद्ध मुहिम छेड़ी। मोना यानी मोस्ट वांटेड इन नारकोटिक्स मोना, और एक जस्सी जैसी कोई नई सीरियल हुआ करता था जिसमें मोना सिंह उसकी एक्ट्रेस थी, तो इसका नाम जस्सी था तो उसके नाम पे इसका नाम मोना रखा गया था। करीब 2 महीने से पुलिस ने इस पर निगाह लगा रखी थी, परंतु यह इतना शातिर अपराधी था कि न यह मोबाइल यूज़ करता था, न टेक्निकली कहीं पे लगातार ठहरता था,
नहीं किसी को अपने धंधे के बारे में जल्दी पता चलने देता था, एक छलावे की तरह आता था, एक सपने की तरह गायब हो जाता था, तो इस तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था। बट कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं, हम लोगों ने भी अपना हाथ लंबा फैलाया तो फाइनली एक सूत्र हाथ लगा। वो सूत्र यह था, इसकी पत्नी ने किसी व्यक्ति को कहा कि बेटा, मेरा बेटा खाना नहीं खाता, अपने पिता के हाथ से ही खाता है। और उसी समय हम लोगों की आंखों में चमक आ गई कि बेटा पिता के हाथों खाता है, पिता अब हमारे हाथों जेल की हवा खाएगा। यह सूत्र था जहां से हमने शुरू किया, और इसकी पत्नी जहां पर रहती है वहां पर किरायेदार बनकर हमारे दो व्यक्ति रहे, लगातार इसके परिवार पर निगरानी रखी। तो एक पैटर्न सामने आया कि हर कुछ दिनों पर शाम में रात में पत्नी निकलती है, किसी जगह पे जाती है और फोन ऑफ रखती है। धीरे धीरे हमने पीछा किया तो एक जगह पता चली कि वो वहां पर जाती है, और वहां पर लग्जरी गाड़ी होती है, वो जाती है, रुकती है, समय बिताती है और फिर वापस आती है, फिर फोन करती है। इस सूत्र के आधार पर हमने लगातार इस अपने संजाल को बढ़ाया। बढ़ाने के बाद कल रात्रि भी ऐसा ही हुआ, पर इस बार हमारी पूरी टीम सतर्क थी। 3 बार पुलिस पर फायरिंग कर चुका था और काफी दुर्दांत अपराधी था, तो उसके हिसाब से हमारे सारे कमांडो, साइक्लोनर टीम, टोरनेडो टीम, स्ट्रांग टीम, बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट, अत्याधुनिक हथियारों के साथ आई। एक बाड़ा था जो संदिग्ध था, उस बाड़े को हमने घेर लिया ड्रोन से। सब पहले ड्रोन से चेक किया तो यह आया कि उसमें कुछ लग्जरी गाड़ियां लगी हुई हैं, कुछ लोगों की मूवमेंट है उसमें। उस आधार पर उसको घेर लिया हमने, और एकदम फिल्मी अंदाज में चारों तरफ से घेराबंदी करने के बाद हमारे कमांडो कैंपस में कूद गए। कूदकर सुरक्षित स्थलों पर उन्होंने मोर्चा ले लिया, और फिर हमने इसको ललकारा, जिसका वीडियो मैं अभी दिखाऊंगा आपको। इसको ललकारा गया कि आप आत्मसमर्पण कर दें, अन्यथा परिणाम आप भुगतेंगे, आपको चारों तरफ से घेर लिया गया है। छत पर 2 व्यक्ति पिस्टल लेकर निकले, परंतु जब उन्होंने चारों तरफ का माहौल देखा, पुलिस की घेराबंदी देखी, साइक्लोनर, टोरनेडो, स्ट्रांग टीमें, और साथ में फिर थाना रिको की टीम भी बुला ली गई थी, तो उनके समझ में आ गया कि यहाँ से बच कर निकलना मुश्किल होगा। गेट भी हमने घेर लिया था, तो उन्होंने अपने पिस्टल जमीन पर रखकर, साथ में जो बैग था वो जमीन पर रखकर आत्मसमर्पण किया। पकड़े जाने पर पता चला कि वो दुर्दांत अपराधी जसाराम था, उसके साथ एक और जसाराम नाम का उसका ड्राइवर मिला जो कि थाने का हिस्ट्री शीटर है। और अंदर जाकर सारी चीज़ें देखने के बाद हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। ऐशो आराम का सारा सामान करके वो एक रिहायशी स्थल ऐसा बनाया गया था जहां ऐशो आराम की सारी वस्तुएं थी, फ्रिज, एसी, वाटर प्योरीफायर और सब कुछ। उसके साथ वहां एक पूरा का पूरा गैरेज बना रखा गया था, जिसमें 2 मैकेनिक भी साथ में पकड़े गए, जो गाड़ियों के नंबर प्लेट बदलने का काम, गाड़ियों को मॉडिफाई करने का काम, गाड़ियों का इंजन नंबर, चेसिस नंबर मिटाने का काम, गाड़ियों की सीटें खोलने का काम, गाड़ियों के आगे वो रेलिंग सा लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बम्पर लगाने का काम, मरम्मत का काम और टायर बदलने का काम। उस गैरेज में 7-8 नए टायर मिले हैं जो तस्करी के वाहन के लिए इस्तेमाल होते हैं, कि नए टायर के साथ भागना आसान हो। नए बम्पर हैं, सीट खोल के रखी हुई हैं, और मरम्मत का सारा, ये सब मिटाने का, मॉडिफाई करने का सारा सामान मिला। 2 एम्प्लॉई मैकेनिक भी मिले वहाँ पर। इनके कब्जे से 2 पिस्टल, 63 कारतूस इनके कब्जे से बरामद हुए। पुलिस की सूचना मिलते ही, टीमों के आने की सूचना मिलते ही, इन्होंने 6 मोबाइल जला दिए वहाँ पे। जो जले हुए 6 मोबाइल मिले हैं, 6 सही हालत में मोबाइल मिले हैं, 2 डोंगल मिले हैं जिसका इस्तेमाल इंटरनेट यूज़ करने के लिए होता था, 2021 मॉडल की S11 नई एक स्कॉर्पियो मिली है जो तस्करी में प्रयुक्त होती थी, और एक संदिग्ध फॉर्चुनर गाड़ी मिली है। जैसा मैंने आपको बताया, गैरेज में पूरा वर्कशॉप और 2 मैकेनिक मिले हैं, जहाँ नए टायर, गाड़ियों से इंजन नंबर, चेसिस नंबर मिटाने का सामान, गाड़ियों को मॉडिफाई करने का सामान, नंबर प्लेट बदलने का सामान, सब कुछ मिला है।
तब पूत के पांव पालने में नजर आते हैं, शराब से शुरू करके ड्राइवरी करते हुए मालिक बनना और फिर मालिक बन के धंधे का सरगना बनना, इस स्तर तक इस व्यक्ति की जर्नी रही है। प्रति ट्रिप जैसा पूछताछ में इसने बताया कि प्रति ट्रिप करीब 1 लाख रुपए की कमाई हो जाती थी। हर 3-4-5 दिन में एक ट्रिप लगाते थे चित्तौड़ इलाके से इस इलाके तक। जिन व्यक्तियों को सप्लाई किया जाता है, जिन व्यक्तियों से सप्लाई लिया जाता है, उनके नाम मिल गए हैं, परंतु अनुसंधान की दृष्टि से गोपनीयता रखते हुए हम नाम नहीं बता रहे हैं। इसकी सूचना पर ही कल हमने कुछ जगहों पर दबिश दी, वहाँ से मादक पदार्थ मिले भी, मामले भी बने हैं। ड्राइवर को 10-15 हज़ार रुपये दिए जाते थे हर ट्रिप के लिए। दो तीन सोचने की चीज़ें यह है कि इस तरीके से गैरेज चला चला के न जाने कितनी चोरी की गाड़ियां लाई गईं, तस्करी में प्रयुक्त की गईं और फिर उसको डिस्पोज कर दिया गया। इसका हिसाब विस्तृत पूछताछ गहन अनुसंधान के बाद ही सामने आएगा। और एक और जो बड़ी आश्चर्यजनक और निगेटिव नकारात्मक चीज़ है कि जो 63 कारतूस मिले हैं वो 9 mm पिस्टल के, 9 mm प्रतिबंधित बोर है, प्रोहिबिटेड बोर कहते हैं इसको। यह जन सामान्य में या हथियार की दुकानों पर शस्त्रागारों में नहीं मिलता, यह पुलिस आर्मी और CAPF के द्वारा, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के द्वारा ही इस्तेमाल में लिया जाता है। ये 9 mm के 63 कारतूस मिले हैं। तो इस प्रकार जैसा मैंने आपको बताया, मोना मोस्ट वांटेड इन नारकोटिक्स एक बड़े चैप्टर का, एक बड़े अध्याय का पटाक्षेप करने में रेंज की पुलिस को, बाड़मेर की पुलिस को सफलता मिली है। और इसी के साथ हमने करीब 10-12 बड़े नारकोटिक्स का धंधा करने वाले सरगनाओं को गिरफ्तारी के साथ एक प्रभावी अंकुश लगा सकने में, मादक पदार्थों की तस्करी और इसके इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए एक प्रभावी जो अभियान चल रहा है राज्य सरकार का, राज्य पुलिस का, उसमें अभी तक हम लोग कई सारे, 2-3 दिन पहले आपने देखा था वो सुनील पकड़ा गया था, उसके पहले ठाकराराम पकड़ा गया, उसके पहले सोहनलाल पकड़ा गया, झुंझाराम पकड़ा गया, पोखरराम पकड़े गए, जो बड़े बड़े सरगना थे उन पर हम लोगों की निगाह है। और धीरे धीरे इस सारे नेटवर्क को हम लोग नेस्तनाबूद कर रहे हैं। परंतु यह पूरा साइड जो है, यह आपूर्ति का साइड है, मादक पदार्थों की जो आपूर्ति हो रही है उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। पर अब समय है मादक पदार्थों की जो मांग है समाज में, लोगों के पास बाजार में जो मादक पदार्थों की मांग है, उस मांग को भी कम किया जाए, रिहैबिलिटेशन पे काम किया जाए, शिक्षा पे काम किया जाए, जागरूकता पे काम किया जाए, ताकि मादक पदार्थों की मांग कम हो सके। आपूर्ति को रोकने के लिए पुलिस कटिबद्ध है और लगातार यह कार्रवाइयाँ हम लोग कर रहे हैं, इसके माध्यम से रोक लगाई जा रही है। मैं एक बार फिर इतनी शानदार 2 महीने की चले अभियान के लिए, ऑपरेशन मोना के लिए, रेंज की साइक्लोन टीम, टोरमेटो टीम, स्ट्रांग टीम और बाड़मेर पुलिस का अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में ये लगातार इस तरह की कार्रवाइयां करते हुए, वज्रपहार करते हुए अपराध एवं आपराधिकता के गठजोड़ पर जड़ से निर्मूल करने के लिए लगातार प्रहार करते रहेंगे, समाज में सुरक्षा और अपराधियों में खौफ मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास करने को रेंज पुलिस कटिबद्ध है। धन्यवाद। इसकी निशानदेही पे गुड़ामलानी क्षेत्र में हमने एक कल दबिश दिलाई थी, वहाँ से अच्छी बरामदगी हुई, व्यक्ति भी गिरफ्तार हुआ। और नागाना और सदर साइड में हमने दबिश दिलाई इसकी निशानदेही पर, परंतु शायद वहाँ तक सूचना पहुँच गई हो, तो पुलिस के पहुँचने के ठीक पहले वो लोग सामान के साथ फरार हो गए थे, परंतु वो ज़्यादा समय तक भाग नहीं पाएंगे, पकड़े जाएंगे। मैं एक बार फिर अपराधियों के लिए कहता हूँ कि आप देर तक भाग सकते हो, दूर तक भाग सकते हो, लेकिन सदा के लिए नहीं भाग सकते हो। कानून की पकड़, कानून के हाथ इतने लंबे, कानून के हाथ लंबे हैं, कानून की जकड़ इतनी तगड़ी है कि आखिरी मंजिल आपकी जेल ही होनी है और वहीं जीवन काटना है। चाहे आप किसी भी तरीके से कितना भी प्रभाव जमा लो, कितना भी पैसा कमा लो, आपकी आखिरी मंजिल वही रहेगी। और वो करने के लिए पूरी पुलिस कृत संकल्प है, कटिबद्ध है, और लगातार जो परिणाम आपको देखने को मिल रहे हैं वो उसी चीज की तरफ इंगित करते हैं। अभी तक की पूछताछ में ये चित्तौड़ प्रतापगढ़ वाला रैकेट ही सामने आ रहा है, कई नाम उधर के सामने आए हैं और उन पर भी फिर आगे कार्रवाई होगी।
परंतु झारखंड वाला जो नेटवर्क है वो अभी तक इनके माध्यम से सामने नहीं आया। और कोई सवाल? बच्चे वाला समझ नहीं आया, बच्चे तो खाना खिलाते हैं, वो क्या मतलब? उनका कहना ये था कि बच्चा मेरे हाथों से नहीं खाता है, वो बाप से ही खाता है। फिर वो खाना खिलाने लेके जाते थे? अब वो क्या करने जाती थी, तो वो तो हम तो जाके देखते नहीं थे क्या करने ले गई, लेकिन अब वो जाते थे वहाँ पे। अभी दिखाएंगे फोटो, सारा दिखाते हैं आपको, वही फोटोग्राफ सब बना रखे हैं। हथियार दो पिस्टल मिले हैं, बड़े आधुनिक पिस्टल हैं, बिल्कुल आप देख के कह नहीं सकते कि ये ओरिजिनल नहीं है, और 63 कारतूस मिले हैं। दोनों 9mm की हैं और 63 कारतूस मिले हैं। अब मैं आपको लाइव कार्रवाई का भी एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा कि किस तरीके से हुआ है, और कुछ जो बरामदगी हुई है फोटोग्राफ से वो दिखाएंगे। प्रमित, आर यू रेडी? हाँ, लाइट ऑफ करके दिखा दीजिए। पहले फोटोग्राफ दिखाइएगा, फिर लास्ट में वीडियो दिखाइएगा। आराम से हो, ये तार का ध्यान रखना। फोटोग्राफ वाइज शुरू करिएगा प्रमित। फोटोग्राफ से शुरू करिएगा। यह है जो पकड़ा गया है आरोपी जस्सा राम। नेक्स्ट, यह कार है इस 11 मॉडल की, 2021 मॉडल की स्कॉर्पियो। यह अरे पीछे यह गैरेज है, जहां आप देख सकते हैं कि टायरों की का जखीरा खड़ा है लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में सीटें रखी हुई हैं और मरम्मत की सारी चीजें। वो जो ब्लैक आप देख रहे हैं वो टायरों का जखीरा है, और सीट खोलकर रखी हुई है, मरम्मत का सारा सामान है। आगे चलिए, ये कार है जो वर्कशॉप में लगी है, ये वर्कशॉप में लगी हुई कार है जो उसमें कुछ काम किया जा रहा होगा। इसमें इंजन नंबर 34 नंबर मिटाया गया है। ये वर्कशॉप की तस्वीर है जहां सारी चीजें ठीक की जाती थी। यह हथियार और कारतूस, ये उसका घर है जिसके सामने किराएदार बन के पुलिस रही और गतिविधियों पर नजर रखी। ये वो वाला घर है, इसके अंदर नहीं, आगे वो बड़े है, बड़ा आएगा, आगे आएगा। बड़ा का फोटो कहाँ गया? नहीं, वो फोटो अभी भिजवाया था ना तुम, वो कई सारे है। नहीं, हम लोग जो खड़े हैं वो बड़े का फोटो तो सब भिजवाया था ना। इसको रोकिए, अभी वीडियो रोकिए। प्रवीण ने भेजा होगा? अरे प्रवीण ने भेजा था ना फोटो, अरे वो फोटो तुम आगे चलो, ये भी गैरेज के अंदर का है। ये गैरेज के ठीक बाहर बाएं साइड में जो दिख रहा है वो घर है, और सीढ़ियों पर चढ़ के ऊपर से मुआयना करते थे निगरानी के लिए। ये वही गैरेज है जिसमें टायर दिख रहे हैं आपको, सीट्स दिख रही हैं और सारे सामान दिख रहे हैं। ये देखिए टायर दिख रहा है आपको, पीछे करो, ये बिल्कुल नए टायर कि हर 15,000-20,000 किलोमीटर की दूरी के बाद गाड़ी के टायर चेंज कर दिए जाएं ताकि भागने में आसानी हो। आगे, ये सीट है जो सीट खोल के रखी गई है मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। ये घर के अंदर का है, वाटर प्यूरिफायर लगा है। ठीक है, आगे चलो। ये किचन है जहां सारा खाने पीने का सारा जुगाड़, सारा सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। वो बाड़े के अंदर, ये फ्रिज है, ये बाड़े के अंदर है सब, ये बाड़े के अंदर की व्यवस्थाएं हैं। बाड़ा कौन सा इलाका कहते हैं? बलदेव नगर का ढाणी है ना, बिल्कुल
किराए पर है या नहीं? नहीं नहीं, ये अपनी अपना है, अपनी जमीन पे बनाया हुआ बड़ा है। ठीक है, हटा दो इसको, वीडियो दिखाओ। अब लाइव का कुछ दिखेगा इसमें आपको, और फिर पीछे का वो दिखेगा किस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की है। फुल स्क्रीन करिए, ये देखिए घर को घेर लिया पुलिस ने। इस बाड़े को चारों तरफ से घेर लिया गया है, हमारे कमांडो अंदर घुस रहे हैं। आधी रात के बीच का समय है, और फिर उसके बाद घुसने के बाद पुलिस ने सायरन दिया। आवाज कहां गई परमित? हाँ, चेतावनी वाली आवाज। और इसने सरेंडर किया। ये बाड़ा है, जिसमें बाड़े में वो घर है दिख रहा है आपको, दाहिने साइड में गैरेज है, बाएं साइड में घर है, और बीच में स्टोर है। हाँ, वही बाड़ा है जहां से पकड़ा गया। बताता हूं, एक बार देख लो आपको। ये जला दिए जो मोबाइल वो थे, और ये उसका घर था जिसके सामने हम लोग किराए पे। और ये क्या लोकेशन है इसका? घर बलदेव नगर में है वो, बड़ा वहाँ है। वो कौन एग्जैक्टली जगह कौन सी थी वो जहाँ गए थे? चंदन नगर। चंदन नगर में, चंदन नगर में है वो। तो ये पहली बार शायद आप लोगों ने लाइव कार्रवाई देखी होगी।